हाय फ्रेंड्स आज दो सक्सेस स्टोरीज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप ना इन सक्सेस स्टोरीज़ में जो टेक्निक्स आप लोग लगा रहे हो सेम वही टेक्निक इन्होंने अप्लाई किया है बट कैसे किया होगा एंड कुछ आप लोगों को इससे टिप्स मिल जाए इसलिए मैं ये सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर कर रही हूँ ओके okay? सो so, यहाँ पे आ, एक है हस्बैंड वाइफ की एंड सेकंड है आ, दो पार्टनर्स की दो आ, आ, मतलब लवर्स की है एक ओके बट okay? दोनों ने सेम टेक्निक्स यूज किया हुआ था तो आई थॉट कि दोनों को एक ही मैं, मैं करूं में मैं कवर करूँ वीडियो में सो दैट आप लोगों को समझ आ जा जाए ओके okay? पहले सबसे पहले मैं हस्बैंड वाइफ का बता रही हूँ वाइफ शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी अभी थोड़े दिन पहले ही एंड शी वॉज राइटिंग टू मी की बेबी uh, डिलीवर करने के बाद उनको था कि उनके हस्बैंड उनको बहुत uh, मतलब और ज़्यादा प्यार करें और ज़्यादा मतलब एक होता है लगता है कि यार हमने इतनी बड़ी खुशी दी है उसके बाद भी देखो सामने से वो रिएक्शन नहीं है एंड सेम यही फीलिंग उनको लग रही थी ठीक है कि इतनी बड़ी खुशी दी बेबी दिया बट वो रिएक्शन नहीं है इन्होंने हस्बैंड से एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आ, उनको कोई गिफ्ट मिले अपने हस्बैंड से उनके हस्बैंड कोई गिफ्ट दें उन्हें तो इन्होंने उनको बोला भी सामने से कि आई एक्सपेक्टेड uh, कि आप मुझे कोई गिफ्ट दो बट देन शी वॉज शी रोड टू मी कि उनके हस्बैंड ने उनको लिखा कि uh, लिखा नहीं सॉरी उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि अभी बहुत खर्चे हो चुके हैं हॉस्पिटल में फंक्शन में एवरी में तो अभी तो तुम गिफ्ट भूल जाओ ऐसे करके लिखा उन्होंने तो शी वॉज ओके फाइन ठीक है उनके हस्बैंड Uh, को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना था वो चले गए ओके अब इन्होंने यहाँ से क्या किया इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके लव वाइब्रेशन भेजा अपने हस्बैंड को प्लस रेड तारा मंत्र की चैंटिंग की सिर्फ ये गिफ्ट लेने के लिए नहीं उनको उन्होंने लिखा है कि मुझे गिफ्ट तो मैं भूली गई थी जब ऐसे कोई बोल दे तो अच्छा नहीं लगता गिफ्ट मांगना मैंने गिफ्ट छोड़ दिया था बट क्या हुआ उनको ये लग रहा था कि वो प्यार भी थोड़ा सा कम लगा होगा उन्हें और उनको लगा कि उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रिक्शन था इसलिए उन्होंने ये करना शुरू किया लव वाइब्रेशन भेजा एंड ये जो रेड तारा मंत्र था ये किया उन्होंने बस ये बोला है कि जब मैंने लव वाइब्रेशन भेजा फोटो में देख करके तो फोटो में देख के मैं ये नहीं कि मैं उस इंसान को भेज रही थी मुझे ये लगता था कि जो सोल मेरी यहाँ है वही सोल वहाँ है तो वो सेम जो मैं यहाँ हूँ वही वहाँ हूँ बस अपने सोल को कनेक्ट करके मैंने लव वाइब्रेशन भेजा था जब सोल से सोल कनेक्ट होकर लव वाइब्रेट हुई जब वो वाइब्रेशन गई तो क्योंकि लव वाइब्रेशन को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब आपने ये मान लिया कि वो सोल ही है जो सामने हैं वो सोल है जो आप हो वो सोल हो एक एनर्जी है उन्होंने यही मान के जब वाइब्रेशन भेजी तो वो आप खुद को ही भेज रहे हो एक तरह से ठीक है बिकॉज आपने आत्मा आत्मा मान ली उधर भी आत्मा है इधर भी आत्मा है थोड़ा डीप है इसको समझना बट थोड़ा सा मैं एक ब, बता देती हूँ कि उन्होंने उस फोटो में अपने हस्बैंड को ही भेजा बट देन शी ऑल्सो विजुअलाइज कि ये एक एनर्जी है आत्मा है एंड सेम वही मैं भी हूँ क्योंकि आत्मा एक होती है सब जानते हैं तो हम दोनों सेम हैं तो अलग तो हो ही नहीं सकती फीलिंग्स और फिर उन्होंने भेजा जब उन्होंने भेजा इतनी आसानी से कनेक्ट हुआ कि आप इसका मैराकल बताती हूँ मैं रात को ही भेजा रेट तारा मंत्र किया मॉर्निंग में उनके हस्बैंड का कॉल आता है बहुत प्यार से बात करी एंड उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि आ, तुम्हारा गिफ्ट पेंडिंग है और मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए वॉट अवर यू वॉन्ट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर और मुझे बता देना या फिर मैं यहाँ से भेज देता हूँ तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए शी वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि उसको कहीं से भी नहीं था और एक रात में क्यों ये हुआ उनके वाइब्रेशन इतनी तेज़ी से क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्होंने उस इंसान को नहीं दिया था वाइब्रेशन उन्होंने उस सोल को वाइब्रेशन दिया था वेन आप सोल से सोल कनेक्ट करोगे ना वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि शरीर रहे ना रहे सोल तो हमेशा है अंडरस्टूड मतलब आप जब इंसान को भेज रहे हो ना मे बी वो इंसान कहीं और काम कर रहा है एब्सेंट है आपके सामने नहीं है ओके बट सोल इज ऑलवेज देयर एंड सोल तो एक है राइट right? हम सबकी अलग अलग हम सब में अलग अलग सोल है बट अंत में वो सब एक है ओके एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है तो जब उन्होंने ये सोच के भेजा ये सोच के कि मैं एक सोल को भेज रही हूँ तो कोई हिंड्रेंस कोई ब्लॉकेज थे ही नहीं आराम से वहां चली गई हिट कर गई सब कुछ कर गई एंड जो एक्सपेक्ट नहीं था वो मॉर्निंग में कॉल आकर के एंड शी मैनिफेस्टेड व्हाट शी वांटेड द रिलेशनशिप हैप्पी रिलेशनशिप नाउ नेक्स्ट स्टोरी कम्स ये जो लवर्स थे इन्होंने भी सेम ये जो गर्लफ्रेंड थी इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा ठीक है लव वाइब्रेशन और उन्होंने भी सेम यही लिखा है कि मैंने भी यही सोच के भेजा कि uh, मैं एक सोल को भेज रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड uh, की सोल है एंड मेरी सोल है एंड आई रिफ्लेक्टेड द सेम वाइब्रेशंस टू हिम और वही वापस इन्हें मिला इन्होंने भी वही कॉल मैनिफेस्ट uh, किया कॉल एक मेरी कॉल मेडिटेशन की वीडियो है उसको देख के कॉल मैंने फेस्ट किया शी गॉट द कॉल बैक वेर इन ये बहुत महीनों से ब्लॉक थी मैं ये मैसेजेस आप लोगों को पढ़ के नहीं बता सकती हूँ बिकॉज देर आज देर आर सम ग्लेचेज इन माई अदर फोन इसलिए मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ इंस्टा में इंस्टा पे मैं इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी ताकि प्लीज़ किसी को ये ना लगे कि ये सब बनावटी है मैं कुछ भी जो भी यहाँ पोस्ट कर रही हूँ सब इंस्टा पे पोस्टेड है आप लोग जाके वहाँ चेक कर सकते हैं ठीक है, है बकायदा ये इस तरह से इन्होंने अपनी दोनों ने सिर्फ लव वाइब्रेशन एंड रेड तारा मंत्र ही किया था बट वाइब्रेशन भेजते समय जो यहाँ पे जो चीज़ चल रही थी वो ये नहीं थी कि मैं सामने एक इंसान को भेज रही हूँ उन्होंने सोल को सोच के भेजा एंड ये सोच के कि वो सोल भी मेरी ही है जब आप किसी चीज़ को अपना सोच के भेजते हो तो उसमें आ, प्यार अट्रैक्शन सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है ठीक है जब आप ये मान लेते हो कि सामने का सोल मेरा ही सोल है आप लोग ये लव वाइब्रेशन जो अपने पार्टनर्स को भेज रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन को भेज रहे हैं वो ये सोच के भेजेंगे ही प्लस जो लोग अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं सब लोग लिखते हैं हम अपने पेरेंट्स को कैसे भेजें पेरेंट्स को भी आप लोग जब भेज रहे हो पेरेंट्स में आपके पेरेंट्स हो या स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स हो जो नहीं मान रहे हैं जब उनको आप लोग भेज रहे हो तभी भी आप लोग यही अज्यूम करोगे कि वो एक सोल है यू आर नॉट सेंडिंग योर वाइब्रेशन टू अ स्पेसिफिक यू नो बॉडी डोंट थिंक कि आप किसी बॉडी को भेज रहे हो नो यू हैव टू एज्यूम दैट आप किसी स्पेसिफिक सोल को भेज रहे हो एंड दैट सोल इज ऑल्सो योर ओनली अंडरस्टूड समझ आ गया सबको इस तरह से करके जब आप लोग अपने वाइब्रेशंस को भेजोगे तो आप समझ लो कि आपकी वाइब्रेशंस इतनी आसानी से वहां जाएगी क्योंकि आपने उसका डिस्टेंस कम कर दिया वाइब्रेशंस को जाने के लिए जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को आपने कम कर दिया ये मान के कि वो मैं ही हूँ वो सोल वो सोल मेरा सोल सब सोल सब एक है ओके जब एक मान लिया तो उसको ट्रैवल कहाँ करना है डिस्टेंस कहाँ है डिस्टेंस नहीं है अब अब वो डिस्टेंस आपने शॉर्ट कर दिया खत्म कर दिया विद द डिस्टेंस इज नॉट देयर तो अब आपकी वाइब्रेशंस आराम से उसके आसपास जाके उसको जो भी बोलना है जो भी समझाना है जो आपकी वाइब्रेशंस हैं जो आप थॉट्स भेज रहे हो वो वहाँ चली जाएंगी. सो दिस इज दिस वॉज अ रियल सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस लव वाइब्रेशन एंड रेड तारा मंत्र रेड तारा मंत्र इज सुपर वेरी पावरफुल डूइंग्स टू एवरी वन बहुत सारे ट्रेमेंडस सक्सेस स्टोरीज हैं जो मेरे इंस्टा पे फ्लोड कर रहे हैं धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सारी स्टोरीज आप लोगों को बता रही हूँ एंड बताती जा रही हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों को इन टेक्निक्स को कैसे यू नो इनकॉपरेट करके अपने अपने विशेष को मैनिफेस्ट करना है So just do it. Be happy. God bless you all. Thank you.